आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का ये पहला लेसन इन लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आपने इससे पहले इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर ले। आइए बिना किसी देरी हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है आइए उसको देखते हैं। व्हाट वॉज लेंचोज प्राइड एंड पोजिशन, यानी लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था, ये हमें इसमें बताना है। तो इसका आंसर देखिएगा, लेंचो लिव्ड इन ए स्लॉटरी हाउस ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल इन द वैली, यानी लेंचो जो होता है वो घाटी में एक निचली पहाड़ी के शिखर पर या फिर ऊंचाई पर जो है वो एकांत घर में रहता है, यानी स्लॉटरी हाउस का मतलब होता है एकांत घर। फ्रॉम हियर, यहाँ से ही कुड सर्वे, मतलब वो निरीक्षण कर सकता है एंड सी देख सकता है द रिवर एंड हिज प्राइड, और अपने गौरव को, नदी और गौरव अपने गौरव को देख सकता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लोवर ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो फूलों के साथ पके हुए मकई के खेत थे जिन्हें हमेशा अच्छी फसल का वादा किया था। लेंचोज फैमिली ओनली विश वाज डाउन पोर, लेंचो के परिवार की केवल बारिश की ही मात्र इच्छा थी। एंड लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमिडिएटली प्रिडिक्टेड रेन, हिज प्रिडिक्शन टर्न ट्रू व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग इन द इवनिंग, और लेंचो ने जो अपने खेतों की आंतरिक रूप से मतलब जानता था, बारिश की भविष्यवाणी की थी, शाम को बारिश की शुरुआत मतलब होती है और उसकी जो भविष्यवाणी है वो सच हो गई। ही वेंट आउट द फील द रेन एंड सर्वाइव्ड विद सेटिस्फैक्शन, हिज क्रॉप ड्रैब्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, वह बारिश को महसूस करने के लिए बाहर गया और उसने संतोष के साथ सर्वेक्षण किया। उसकी जो फसल थी वो बारिश में, कर्टेन का मतलब पर्दा होता है, में लिपटी हुई थी। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप एज न्यू सिल्वर कॉन्स, और उसने बारिश की बूंदों को एक नए चांदी के सिक्के के रूप में माना। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो गया, साथ ही साथ इसकी हिंदी भी दी हुई है, आप उसे भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें अपना दूसरा क्वेश्चन, वो हमारा क्या देखिएगा। ब्रिंग आउट लेंचोज इमेसेंस फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसका आंसर होगा हमारा, लेंचो वॉन्टेड सम रेन फॉर हिज क्रॉप एंड द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड इन द फील्ड एंड प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे लेंचो अपनी फसल के लिए कुछ पानी चाहता है या कुछ बारिश चाहता है, और पके मकई के खेत में गर्व से जो है वो खड़ा होता है, जो अच्छी फसल देने वाला था, मतलब जो है क्या है, अच्छी फसल का जो वादा किया था वो। रेन केम एज ही प्रिडिक्टेड बट टर्न टू हेल एंड रूइंड हिज क्रॉप। अब क्या होता है कि बारिश आई जैसे कि उसने मतलब भविष्यवाणी की थी लेंचो ने, लेकिन ओले पड़ गए और फसल जो है वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। लेंचोज हर्ट वाज फेल्ड विद सोरो, और लेंचो का जो हृदय है वो दुख से भर गया। बट ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, और उसको भगवान में दृढ़ विश्वास था। इसमें आगे देखिएगा, ही रॉट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड 100 पीसो, उसने क्या काम किया, एक पत्र लिखा और पत्र में 100 पीसो की मतलब भेजने की मांग रखी, सो दैट ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, जिससे कि वो अपनी फसल जो है क्या करे, दोबारा से बोले। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एड्रेस टू गॉड एंड टू मेंटेन द मैंस फेथ इन गॉड। अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर जब इस पत्र को पढ़ता है जो कि भगवान के लिए मतलब एड्रेस है, भगवान का उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, एंड टू मेंटेन द मैंस फेथ, और वो उसका मतलब आदमी का विश्वास बनाए रखने के लिए, भगवान पर जो उसका विश्वास था लेंचो का, उसको बनाए रखने के लिए, ही राइज्ड 100 पीसो एंड सेंट देम टू लेंचो, उसने 70 जो पीसो थे वो जो इकट्ठा किए और उन्हें लेंचो को भेज दिया। मैं आगे देखिएगा, लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड मेक सच ए मिस्टेक, लेंचो को विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब लेंचो को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान गलती कर सकता है। एंड रॉट अगेन आस्किंग गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, इसलिए लेंचो ने क्या काम किया कि दोबारा से जो पत्र लिखा, जो उसके बाकी बचे हुए पैसे हैं उनको जो है भेजा जाए। बट नॉट थ्रो मेल एज ही बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक, लेकिन मेल के माध्यम से नहीं, क्योंकि उसका ये मानना था कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बदमाशों का झुंड है या फिर ठगों का समूह है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें अपने जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छे से इनका जो आंसर है बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप अच्छे से कॉपी बना लीजिएगा और आप उसमें अच्छे से लिखिएगा। हमने साथ ही साथ हिंदी भी आपको प्रोवाइड करा दी है।
हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, ये 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा था, तो इसका आंसर देखिएगा। बीइंग ए स्मॉल फार्मर, यानी एक छोटा किसान होने के नाते लेंचो बाज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड। तो लेंचो क्या था, एक छोटा सा किसान था, तो इसलिए वो अपनी फसलों पर ही पूरी तरीके से क्या था, निर्भर था, यानी डिपेंड था। वंस ए हैवी डाउनपोर अकॉर्ड एंड अलोंग विद द हेलस्टोन्स ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग, बार भारी जो है बारिश हुई और उसके साथ ही बड़े बड़े ओले जो है गिरने लगे। एज ए रिजल्ट द फील्ड टर्न्ड वाइट एज इफ इट हैड हिम कवर्ड विद सॉल्ट ऑल ओवर, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि क्षेत्र सफ़ेद हो गया और जैसे जैसे कि नमक के साथ जो है वो कवर से ढक दिया हो, इस तरीके से क्या हुआ कि सफ़ेद हो गया मतलब खेत। दिस एनुअल क्रॉप्स वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो वार्षिक फसल पूरी तरीके से कैसी हो गई, नष्ट हो गई। देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, यहाँ तक कि पौधे पर एक भी फूल की पत्ती जो है वो या फूल मतलब नहीं बचा। इन द एंटायर विलेज देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम विद हिज प्रॉब्लम, पूरे गांव में उसकी समस्या में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, यानी जो उसको प्रॉब्लम थी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी मदद कर सके। बीइंग ए फर्म बिलीवर इन अ गॉड, भगवान में अत्यधिक विश्वास करने वाला, ही टर्न टू द ऑलमाइटली फॉर हेल्प, वह सर्वशक्तिमान की ओर मुड़ा, मतलब ईश्वर की जो शक्ति है उसकी ओर मुड़ा सहायता के लिए। ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा, रिक्वेस्टिंग टू सेंड 100 पीसो, और उसने प्रार्थना की 100 पीसो की, सो दैट ही माइट सो हिज फील्ड अगेन, जिससे कि अपने खेतों को वो दोबारा बो सके। टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, जब तक कि दूसरी फसलें उसकी ना आ जाए। ही हैड बिलीव दैट, उसका ये विश्वास था, उसके पास ये विश्वास था दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम विद द मनी, उसको ये विश्वास था, उसको ये दृढ़ विश्वास था कि भगवान उसकी मतलब डेफिनेटली मतलब निश्चय ही उसकी जो है वो मदद करेंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। तो इसमें देखिएगा इसका मीन्स है, दैट मीन्स पोस्ट ऑफिस के कार्यरत लोगों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की, उसकी मदद के प्रति लेंचो की क्या प्रतिक्रिया थी, ये आपको बताना है। द पोस्ट मास्टर नीडिड समथिंग मोर देन इंक एंड पेपर टू आंसर द लेटर, यहाँ पे पोस्ट मास्टर को पत्र का उत्तर देने के लिए स्याही और कागज़ के अधिक कुछ और चाहिए था। देखिएगा आगे, ही नीडिड 100 पीसो, उसे कितने पैसों की ज़रूरत थी, 100 पीसों की। ही गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया, एंड आस्ट ऑल द एम्प्लॉइज टू हेल्प, और उसने सभी जो उसके एम्प्लॉइज थे मतलब पोस्ट ऑफिस के सभी से हेल्प सहायता करने के लिए कहा। इवन ही आस्ट हिज फ्रेंड टू कंट्रीब्यूट फॉर द कॉज ऑफ द चैरिटी, कि उसने अपने दोस्तों से चैरिटी के लिए भी योगदान देने के लिए कहा। दस इस प्रकार ही मैनेज कलेक्ट 70 पीसोज, इस तरीके से उसने 70 पीसो ही जो है वो कलेक्ट किए मतलब इकट्ठा किए। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू रिसीव द लेटर, लेकिन लेंचो को उस पत्र पाने के बाद कोई भी सरप्राइज कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही वाज एंग्री टू रिसीव 70 पीसोज इन स्टीड ऑफ 100, लेकिन क्या होता है कि वो उससे गुस्सा आ जाता है, वह गुस्सा हो जाता है अपने मतलब जो 100 पैसे की जगह पीसोज की जगह जो उसको 70 पीसो ही मिलते हैं। ही डिड नॉट डाउट गॉड, उसे भगवान पर कोई संदेह नहीं है, सच बात ए कॉन्फिडेंस। ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, यानी उसे बिल्कुल भी भगवान पर कोई भी डाउट कोई भी मतलब जो डाउट नहीं होता है मतलब कोई भी संदेह नहीं होता, सच एज ही कॉन्फिडेंस मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या था ईश्वर में विश्वास था। सो क्या करता काम करता है, ही रॉट अनदर लेटर, वो दूसरा पत्र लिखता है टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी, यानी जो बचे हुए पैसे हैं, इसलिए वो दूसरा जो है पत्र लिखता है। ही ऑल्सो वॉर्न हिम, और ये चेतावनी भी देता है उसको, नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और वो कहता है कि इसको मेल के द्वारा जो है ना भेजा जाए, बिकॉज दीज पीपल मतलब ये जो लोग हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं वर ए बंच ऑफ क्रूक, ये ठगाओं का समूह है या बदमाशों का झुंड है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का बहुत ही सटीक आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने पाँचवें क्वेश्चन की, देखिएगा ये पांचवा क्वेश्चन, इसमें दो करेक्ट स्केच आपसे पूछे हैं। देखिएगा एक करेक्ट स्केच है आपका लेंचो का और ये दूसरा है हमारा पोस्ट मास्टर का। तो हम इसमें पहला करेक्ट स्केच देखते हैं लेंचो का। तो देखिए हेडिंग लगा के यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से, ये हार्डवर्किंग फार्मर, एक महान एक मेहनती जो है किसान होता है कौन, लेंचो। तो लेंचो बाद ए सिंपल मैन, लेंचो एक सिंपल व्यक्ति होता है, एक साधारण व्यक्ति होता है, एंड हार्डवर्किंग फार्मर और एक परिश्रमी किसान होता है, हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, जो कि अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता है। फिर इसमें जो दूसरा हेडिंग है लव्स फैमिली, उसका जो है उसके फैमिली के प्रति उसका जो प्यार है वो आपको बताना। लेंचोज एंटायर क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टॉर्म, उस लेंचो की जो पूरी जो फसल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, हेलस्टॉर्म मतलब आंधी तूफान जो आता है मतलब ओलावृष्टि जो होती है उससे क्या हो जाती है
नष्ट हो जाती है। सो ही बिकम वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाता है, बिकॉज ही वॉज बरीड अबाउट हिज फैमिली, क्योंकि उसे अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता है। अब बात करते हैं इसमें सी, हमारा ये तीसरा हेडिंग है, मतलब सी हेडिंग, इनोसेंट मैन, मतलब एक कैसा है, मासूम व्यक्ति है, मतलब अनजान सा एक आदमी है। लेंचो डिड नॉट नो दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड ही हु कुड सेंड हिम मनी, यानी लेंचो का भगवान के लिए लिखा गया जो पत्र है ये दिखाता है कि वह कितना मासूम है, क्योंकि उसने क्योंकि लेंचो को यहाँ तक पता नहीं था कि भगवान जैसा कोई जीवित इंसान नहीं है जो उसे पैसे भेज सके, तो इतना मासूम था वो। इसमें नेक्स्ट हमारा हेडिंग है डी नंबर पे, यानी फेथ इन गॉड, भगवान में उसका विश्वास, ही बिलीव्ड इन गॉड एज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस, यानी वह ईश्वर के मतलब ईश्वर में विश्वास करता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी परेशानी में क्या करेंगे, मदद जरूर करेंगे। तो देखिएगा इसमें हमारा जो दूसरा, इसमें जो दूसरा करेक्टर स्केच है उसको देखिएगा, अभी तक पूछा नहीं गया तो दोनों में से कोई ना कोई सा इस बार जरूर पूछा जाएगा। पोस्ट मास्टर्स का करेक्टर स्केच आपको देखना, तो सेंसिबल एंड कंपैशनेट, ठीक है, तो ये इसका हेडिंग है, इसका मतलब समझदार और दयालु। ही अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट ही सो ऑन बाय लेंचो, यानी यहाँ क्या होता, पोस्ट मास्टर लेंचो के भगवान की विश्वास की गहराई को समझ गया, तो ये इस हेडिंग में इतना हमको लिखना होगा। उसके बाद अब देखिए इसमें हमारा जो आगे का हेडिंग है बी नंबर हेडिंग है, देखिएगा काइंड हार्टेड मतलब दयालु, ठीक है, हिज हिमसेल्फ गिव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी आस्क बाई हिज काइंडनेस, यानी पोस्ट मास्टर ने उसने खुद अपने वेतन का एक हिस्सा छोड़ दिया जिससे वह लेंचो द्वारा मांगे पैसों को जमा मतलब जो है उसको क्या कर देता है, जो लेंचो जो उसकी सैलरी होती है उसका एक हिस्सा जो है वो उसको दे देता है। इससे ये उसकी उदारता का पता चलता है, उसकी दयालुता का पता चलता है। अब देखिए इसमें जो हमारा अगला हेडिंग है सी हेडिंग, देखिएगा एम्पैथेटिक पर्सन, मतलब क्या होता है, सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति होता है। ही फील्ड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी एज ही लव्ड टू हेल्प अदर विच शोज लेंचोज, अब इससे क्या होता है, लेंचो को पैसे मिलता देखकर वह खुश और संतुष्ट हुआ क्योंकि उसे दूसरे की मदद करना अच्छा लगता है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि कितना बंदा वो सहानुभूति रखने वाला था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें अपना सिक्स नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, बहुत छोटा सा इसका आंसर है, अच्छे से देखिएगा। लेंचोज क्रॉप्स बर टू डिस्ट्रॉयड बाई द हेलस्टॉर्म, यानी लेंचो की फसल ओलावृष्टि से क्या होती है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। उसके बाद ही रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा बिकॉज ही हैड डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान में बहुत ही गहरा मतलब विश्वास था। ही आस्ट 100 पीसो बिकॉज ही नीडिड द मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सर्वाइव टिल द न्यू क्रॉप्स केम, सो ही रॉट ए लेटर टू गॉड। अब इससे क्या होता है कि उसने मतलब क्या काम किया कि भगवान में उसको बहुत ज़्यादा मतलब आस्था थी या विश्वास था, तो उसने 100 पैसे मांगे क्योंकि उसे अपने खेत जो है फिर से बोने थे, दोबारा से बोने थे, और नई फसल आने तक जीवित रहने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने भगवान के लिए क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो ये इसका बहुत सटीक सा आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहें।